आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम वेरीफाइड होने के सबसे बड़े मेजर फायदे क्या क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे कैसे मिलेगा और आपको कब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड होकर मिलेगा। दोस्तों रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई ट्विटर पे आप कैसे वेरीफाइड हो सकते हैं, यानी कि आप ट्विटर पे ब्लू टिक कैसे ले सकते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारों ने पूछा था कि भाई ट्विटर का देखा जाएगा, आप इंस्टाग्राम बताओ, अपना इंस्टाग्राम वेरीफाइड कैसे कराएं। देखिए जैसे ट्विटर पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक प्रोसेस है, वैसे ही इंस्टाग्राम पर भी रूल रेगुलेशन और प्रोसेस है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम वेरीफाइड होने के सबसे बड़े मेजर फायदे क्या क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे कैसे मिलेगा और आपको कब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड होकर मिलेगा। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। कुछ फेक होने की तो इस पर कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है इंस्टाग्राम फेक अकाउंट्स पर ब्लू टिक नहीं देता। मतलब कि आप लेजिटमेट आदमी हैं, आपका चाहे बिजनेस हो, आप खुद हो, आपकी कोई भी आइडेंटिटी हो, आप इंडिविजुअल इंसान हो, मतलब कि ये अकाउंट बिल्कुल भी फेक नहीं है। अब देखिए अकाउंट फेक नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, तो आपको ब्रांड्स ज़्यादा मिलती हैं, आपको पार्टनरशिप करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। जितने भी आप देखेंगे बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, वो सब उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं भाई जिनको ब्लू टिक मिल रखा हो, मतलब कि इनकी जो फैन फॉलोइंग वो अच्छी होगी, लॉयल होगी और ये भी आदमी सच्चे हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, किसी ब्रांड ने मान लो किसी मीम पेज के साथ टाई अप कर लिया, वो मीम पेज ऐवे ही हैं, फेक फॉलोवर बना रखे हैं, मान लो उनके फॉलोवर अच्छे बन भी गए, लेकिन बिल्कुल भी ओरिजिनलिटी का आप विश्वास वहाँ पर नहीं रखते। मान लो उन्होंने कुछ 1-1.5 लाख रुपए ले लिए, 50,000 रुपए ले लिए, बाद में उन्होंने मना कर दिया, फिर तुम उनको ढूंढते रहो कौन है क्या नहीं है, क्या बिजनेस है, क्या एड्रेस है, वक्त लगेगा। लेकिन जब यू आर वेरीफाइड, जब आपको लगता है कि आप वेरीफाइड हैं, तो वहाँ पर सामने वाला इंसान पूरा भरोसा करके चलता है कि हाँ भाई इसने पूरी वेरीफिकेशन करा रखी, आदमी बिल्कुल सच्चा है, यहाँ पर धोखा नहीं मिल सकता। अब देखिए तीसरी चीज़ जो है, वहाँ पर मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम के नए फीचर्स। देखिए इंस्टाग्राम अपडेट्स लाता रहता है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, ऐसे में भाई आपको अच्छे और सबसे जल्दी फीचर्स ही मिलेंगे। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि भाई कुछ फीचर्स आपके फ़ोन में नहीं आते लेकिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं, आपको बहुत लेट मिलते हैं लेकिन कुछ लोगों को मिल जाते हैं बहुत जल्दी। तो देख लीजिए आप कौन सी लिस्ट में आना चाहते हैं, आप लेट लतीफ वालों की लिस्ट में आना चाहते हैं तो ऐसे रहिए, अगर नहीं तो बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुनिए और पता कीजिए कि कैसे आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड करा सकते हैं। अब देखिए वेरीफाइड कराने का एक फ़ायदा और भी है, जो आपकी रैंकिंग है वो हायर हो जाती है। जब कोई सर्च करता है, मान लीजिए आपका नाम है अंकित, आपको अंकित पे सर्च करेगा, उसे कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अंकित पे वेरीफाइड हैं तो ANKIT लिखते ही भाई जो अंकित वेरीफाइड वाले हैं वो सबसे आगे आएंगे, तो आपका आगे आने का चांस सबसे ज़्यादा बना रहता है। अब देखिए बात करते हैं कि आप कैसे एप्लीकेशन या फिर आप कैसे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको अपनी अकाउंट में जाना है, उसके बाद अपने अकाउंट में जाकर आप सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे आप वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया होगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे। देखिए वहां पर आपको फाइल चूज करनी होगी, फाइल में आपको क्या क्या करना है, अपनी आईडी डालनी है, आपको जो आपके जितनी भी चीज़ें हैं वेरिफिकेशन जो पूछते हैं, लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, नेशनल आइडेंटिफिकेशन हो गई और आपकी टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट हो गई और जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ जो भी इंस्टाग्राम को चाहिए होती हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको सारी डालनी होंगी और आपका अकाउंट फिर चला जाएगा उनके पास कि भैया मेरे को वेरीफाइड करो। फिर उसमें आपको ना कैटेगरी डिसाइड करनी होगी कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, आप एंटरटेनर हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मतलब कि आपकी एक पूरी कैटेगरी होगी। आपको अपनी रियल आईडी डालनी है, फेक आईडी बिल्कुल भी नहीं डालनी। फेक आईडी डालोगे तो भाई आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई आपको करना है इंतज़ार। इंतज़ार कितने दिन का करना है, तो इंतज़ार का काउंट है 30 दिन। अगर 30 दिन तक भाई आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता तो समझ लीजिए अप्रूव नहीं हुआ है और आप दोबारा से अप्लाई करें। 30 दिन के अंदर आप दो बार अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आपने 5 से 10 दिन का इंतज़ार किया, नहीं आया, आपको पता है कि नहीं आया, कुछ मिस्टेक होगी, तो चलो फिर से अप्लाई कर दें। भाई 30 दिन का टाइम लगाना है, उसके बाद ही आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और देखिए अब क्या क्या चाहिए होगा आपको, आपको ना अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा चाहिए होगा कि आप कहीं ना कहीं जाकर पब्लिक फिगर हो, तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग सहेंगी, मतलब कि आपका PR स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। PR मतलब कि पब्लिक रिलेशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सारी बसड़ नहीं पालते, वो क्या करते हैं एक PR एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं और PR एजेंसी को बोलते हैं कि भाई ये मेरे को चाहिए। तो आप एक ऐसी PR एजेंसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि वो आपकी पब्लिक रिलेशन बनाए और उसके बाद आपकी मदद करे ब्लू टिक दिलाने में। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप जानते हो मानते हो कि हाँ मैं खुद से कर लूँगा तो आप खुद से कर लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, कि मेरी कोई PR ही नहीं है, तो पहले PR से कंसल्ट कीजिए और अपनी PR कराएं, मतलब कि पब्लिक रिलेशन कराएं, उसके बाद आपको ब्लू टिक
मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी प्रोसेस कैसे क्या करना है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की नई बातों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।